सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती देश भर में मनाई गई। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे कई नारों से देश की आज़ादी की लड़ाई में लोगों के अंदर नई ऊर्जा भर दी। नेताजी के 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में टॉक ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस एन इन्फ्लुएंशियल फ्रीडम फाइटर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर भुवन लाल प्रसिद्ध लेखक मौजूद रहे। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी दुनिया में लोग कभी भी और कहीं भी याद करते हैं। मैं नेताजी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। नेताजी की टोपी के बारे में उन्होंने कहा कि ये आम टोपी नहीं है, इसमें बहुत ऊर्जा है। नेताजी की जिंदगी और उनका देश के लिए त्याग युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है। हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। प्रसिद्ध लेखक भुवन लाल ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। जब तक नेताजी रहे तब तक हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। नेताजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट कर रहे थे जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। उन्होंने नेताजी के बारे में बहुत सारी बातें और जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया जिसमें कई लोगों ने भुवन लाल और संदीप मारवा से प्रश्न किए और प्रश्नों के जवाब पाए। कार्यक्रम में आए अतिथि डॉक्टर भुवन लाल को ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथियों को भी संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सुशील भारती डायरेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मारवा स्टूडियोज द्वारा उपस्थित अतिथिगण का धन्यवाद ज्ञापन भी किया गया। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, कितने हजारों अनेकों लोगों की प्रेरणा रहे हैं? आज नेता सुभाष चंद्र बोस जी का 126वां जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो में एक टॉक रखी है जिसको डॉक्टर भुवन लाल ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस और एक्सप्लेन किया है। यही हम चाहते थे क्योंकि बहुत सारी रिसर्च उन्होंने कर रखी थी और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हमने शायद कभी भी किसी और किताब में नहीं पढ़ी होंगी। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मोहित मारवा ने राग देश में कर्नल सहगल का रोल अदा किया है और उस फिल्म को देखने के बाद मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ था नेताजी का। नेताजी को 2016 में ये कैप मुझे दी गई थी और मैंने उसी दिन नेता सुभाष चंद्र बोस फोरम यहाँ पर AFT में शुरू किया था। हम चाहते हैं कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, वो हमारे बच्चों में पहुँचे और बच्चों में वही जज्बा, देश के प्रति जोश, लगन, मोहब्बत, वो जो है वो हमेशा जागृत रहनी चाहिए कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। हमें देश को ये बताना है कि एकता और अखंडता में बहुत ताकत होती है और अगर हम सब लोग मिलजुल कर आगे चलेंगे तो देश बहुत आगे निकल जाएगा। सर, जैसे आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इन्फ्लुएंस हुए, तो सर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यही मैंने अभी बताया है कि आपने देश के प्रति मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर भाषण में, हर लेक्चर में एक ऐसा शब्द ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ जिससे मैं लोगों को ये बता सकूँ कि मैं खुद एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियाटिक हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि जब आपको अपने देश से मोहब्बत होगी, आप खुद ब खुद तरक्की करेंगे, देश के लिए ज़्यादा और बेहतर काम करेंगे और आपके काम में हमेशा सफलता बनी रहेगी। आज हम
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद भारत में याद कर रहे हैं, मगर एक ऐसा समय था जब भारत आज़ाद नहीं था और जो उन्होंने और क्रांतिकारियों ने और आज़ाद हिंद फौज ने करके दिखाया वो हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। आगे चल के हमें भारत को एक विश्वगुरु बनाना है और उस रास्ते पे चलने के लिए हमें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, हमें योग्यता के साथ लेना पड़ेगा, हमें ईमानदारी से जीना पड़ेगा, हमें देश प्रेम को अपने जीवन का अंश बनाना पड़ेगा। ये आसान नहीं है मगर हमें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सारी दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद। सर एक सवाल, सर नेताजी के बारे में आज भी उनकी मृत्यु का जो बारे में जो एक सस्पेंस बना हुआ है वो आज भी बरकरार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से हैं? सर राष्ट्र समाचार से। अच्छा ठीक है। तो नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद इस दुनिया में ना दिखाई दिए गए ना सुनाई दिए गए। बहुत सारी कहानियाँ बनी हुई हैं, वो कहानियाँ चल रही हैं, मैंने भी वो कहानियाँ सुनी हैं, मगर 30 साल की रिसर्च के अंदर मुझे तो कुछ भी अभी तक ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये बताए कि 18 अगस्त के बाद नेताजी कहाँ थे। सर नेताजी ने बहुत से संदेश दिए, बहुत युवाओं को जागरूक किया जी, आज क्या समझते हैं कि युवाओं को दोबारा से उनको समझने की विचार करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। नेताजी नेताजी के तीन मेजर एस्पेक्ट्स हैं, मैं अंग्रेजी में बोलूँ, नॉन सेक्टेरियनिज्म, जेंडर इक्विटी एंड इकोनॉमिक इक्विटी। इन तीन रास्तों पे हमारे को चलना चाहिए और चल ही रहे हैं, देश अब आगे बढ़ चुका है। नेताजी हमारे लिए एक देश नायक है और हमें उनकी तरफ देख के उनसे इंस्पायर होके अपना जीवन बेहतर करना चाहिए। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने हमारे पूरे बदन में एक स्फूर्ति और खून का दौर दौड़ा दिया दोबारा। जो सच्चाइयां आज हमें पता चली हैं, कुछ पता चलने लग गई थी नेताजी के बारे में, उसने हमारी आंखें खोल दी हैं और रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इसको सुनने के बाद देश का कोई भी युवा अगर स्थिर बैठ जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये आज का जो छोटा सा कार्यक्रम बेशक था पर जो था बहुत मायने रखता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्चाई, भारत को आज़ादी कैसे मिली, भारत की आज़ादी के बीच में अड़चनें क्या थीं और सच्चाई क्या थी, अब पता चली है।